यस क्लास नाइन्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इन माय लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन टू यू क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नाउ आई विल टीच क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन ए रोम्बस से फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? Okay, इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम ये गिवन है A, B, C और D। Okay, ये डायग्राम रोम्बस का है, इसकी ईच साइड है ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो लॉन्गर डायगोनल है, ये लॉन्गर क्या है डायगोनल है ये। ओके, एसी जो एसी है एंड बीडी ये क्या है डायगोनल है। तो क्वेश्चन में वी नो डेट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर ईच अदर एट ईच बाइसेक्ट एट ईच अदर 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री पे इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ये। मतलब ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। ओके, फर्स्ट फाइंड ओ डी या ओ बी। ओके, इट मीन्स ये नेक्स्ट कि इन ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे ओ डी साइड। ओके, इसके लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम में क्या है, ए डी की स्केयर इक्वल टू ए ओ की स्केयर प्लस ओ डी की स्केयर। जो ए डी है ये क्या आएगी, हाइपोटेनियस 30। ओके, और जो नेक्स्ट है ए और ओ ये आएगा 24 प्लस ओ डी की स्केयर 30 की स्केयर 900 इक्वल टू 576 प्लस ओ डी की स्केयर। इसकी साइड चेंज ये आ जाएगा 900 माइनस 576 इक्वल टू ओ डी की स्केयर 900 माइनस 576 324 इक्वल टू ओ डी की स्केयर। ओ डी क्या आ जाएगी रूट में 324 और इसका रूट कितना आएगा, ये आएगा 18। ओके, नाउ जो ओ डी है ना वो 18 नहीं है, ये कितनी है 18 मीटर है। और ये भी क्या देगी ओ और बी, ये भी 18 मीटर आएगी। ठीक है, इसमें देखो ये जो ओ डी 18 है और ओ बी इक्वल टू ओ डी के, तो बी डी इक्वल टू 18 प्लस 18 36 मीटर। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, देखो एरिया और रोम्बस में ना एक तो अपना जो हीरोन फॉर्मूला वो यूज कर लेना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। या इसके अंदर ये भी क्वेश्चन है ये कि एरिया और रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, तो 1/2 48 × 36, तो 2 का कर दे डिवाइड 48 × 24 × 36, ये 24 × 36 ये इसका एरिया हो गया टोटल का। ये जो टोटल जो पार्ट है ना इस सब का एरिया है। हमें क्या फाइंड करना है, 1 काउज को फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट है बट फाइंड द एरिया ऑफ ईच काउज, जो ये 36 × 24 / 18। तो 18 कर देंगे डिवाइड, 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36। ओके, तो ये 2 का 24 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 48 मीटर की स्केयर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ईच काउज। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये गिवन है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, सी फिगर। ओके, इस पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। ये अपना डायग्राम गिवन है, ये कितना है, ये 50 है,
ये 50 आएगा और ये साइड कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर की, ये सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट इक्वल जो साइड है उसको मैंने सपोज कर लिया ए, ये कितना है 50 सेंटीमीटर, जो डिफरेंट साइड है ये बी ये 20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, तो फॉर्मूला बी अपॉन में 4 इन रूट 4a² माइनस b². ओके, इससे पहले इसमें आप वो भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला ना s, ये s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी, इसकी कंपेयर में ये जो फॉर्मूला है ना वो ईजी पड़ेगा, ये थोड़ा लेंथ से पड़ेगा, ठीक है, दोनों से हो जाएगा ये, आप इसे ट्राई करो, इससे करो, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन 4 रूट 4a² माइनस b² इक्वल है ना, ए का मीन्स क्या है इक्वल साइड है और बी मीन्स क्या है डिफरेंट साइड हो गया, तो मैंने बी रिप्लेस 20 अपॉन 4 रूट में 4 इंटू ए रिप्लेस 50² माइनस 20² 4 के डिवाइड 20 में ये 5 है रूट है, 4 का 4 इंटू इसकी स्केयर 2500 माइनस 20 का हो जाएगा 400, 25 का 4 से मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 10,000 माइनस 400, तो माइनस करने भी आ जाएगा 9600। ओके, तो अब इसका क्या होता है 96 इंटू 100, ठीक है, हमने क्या करना है 90 के फैक्टर करो, ये 2 का डिवाइड 48, अगेन 2 का डिवाइड 24, अगेन 2 का डिवाइड 12, अगेन 2 का डिवाइड 6 और 2 का डिवाइड 3, तो 96 रिप्लेस में 2 कितने बार है 1 2 3 4 5, 2 आया 5 टाइम, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 3 और 10 के फैक्टर है 100 फैक्टर 10 इंटू 10। ओके, तो इसमें ये देखो ये रूट है, इस पेयर में से एक रूट बाहर आ जाएगा, इससे 1 बाहर आ जाएगा, इन क्या आ जाएगा पेयर, और 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये देखो ये 5 है, ये 2, ये 2, ये 10 उस पेयर में से ये, और ये अब जो 2 और 3 थे ना, ये देखो यहाँ पे 2 और 3 है ना, ये पेयर में नहीं है, ये सिंगल में है, तो इन दोनों का तो मल्टीप्लाई रूट में हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 6, तो इनका करो मल्टीप्लाई 2 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 10 से मल्टीप्लाई 200, रूट 6 सेंटीमीटर के स्केयर। ये तो ईच पार्ट का है, और फाइंड करने जो 10 पार्ट है दोनों के हैं डिफरेंट कलर के हैं। ओके, तो एरिया ऑफ डिफरेंट कलर, तो 5 के हैं टोटल 10 पार्ट हो गए, और 5 जो 5 वो सेम कलर के हैं, अदर 5 सेम कलर के हैं, आपको करने डिफरेंट के, तो 5 इंटू 200 रूट 6 ये आ जाएगा 1000 रूट 6 की स्केयर, ये दो पार्ट आएंगे दोस्तों, सेकेंड पार्ट आएगा वो सेम आएगा इस तरह सेंटीमीटर स्केयर। ओके, टुडे इज इनफ।